एक थोड़ी सी समस्या आज हमारे डिपो से राशन कार्ड धारक जो हमारे राशन कार्ड सरकार ने बनाए बीपीएल के पीले भी बनाए गुलाबी बनाए नॉर्मल भी बनाए हमारे यहाँ पे वो कट्टे बहुत है लोगों के बनते हैं कट जाते हैं परेशान होते हैं डिपो होल्डर से पूछो तो डिपो होल्डर को जवाब देता नहीं लोग हमारे से शिकायत करते हैं हम डिपो होल्डर से पूछते हैं भाई इसका कुछ बताओ कितने बीपीएल है कितने क्या है लेकिन डिपो होल्डर इसके बारे में हमारे को कोई जवाब नहीं देता जबकि हम ग्राम पंचायत है पंचायत को उसका जवाब देना उसको अधिकार है समाज देखो सर मैं तो बर्बली कह रहा हूँ कि लोग तो कहते हैं कि कम मिलता है टोल में लेकिन हम तो उनसे कुछ ही पूछते हैं हमारे को तो जवाब ही नहीं देता हमें पूछते कि भाई कितने कार्ड है डिपो होल्डर कौन है भाई अधिकारी बताओ होटल सप्लाई वाले कौन है डिपो होल्डर कौन है डिपो होल्डर माइक एक अटैच तो है वो उसकी शिकायत अभी नहीं देता राशन टाइम पे अरे ऐसी कह रहे हैं राशन सरपंच साहब झूठ बोल रहे फिर मैंने भी आपको एक दो बार कॉल उसको आज उसको कैंसिल करो आज ही कैंसिल करके मुझे बताओ क्योंकि तो दूसरा दूसरे गांव से अटैच करा दो और इनके गांव में यही राशन मिलना चाहिए बाहर नहीं जाएंगे कहीं गांव में मिलता है राशन उसको उसका आज ही कैंसिल कर दो मुझे कैंसिल करके आज रिपोर्ट दोगे डिपो होल्डर को तो बोल दिया भाई सस्पेंड कर दो भाई दो माइक है? कोई सात दिन का कोई टाइम नहीं है क्या तुम्हारा रिश्तेदार हो तो सात दिन का टाइम मांग रहे रिश्तेदार है डिपो होल्डर क्या टाइम मांग रहे हो सात दिन का आगे उधर क्या का सात दिन का टाइम है नहीं कोई बयान व्यान नहीं लेना ठीक है उसको सस्पेंड करो उसको उसका कैंसिल करो उसका ये पागल है लोग जो बोल रहे हैं ये राशन नहीं देता झूठ बोल रहे हैं ये लोग आज भी उसका कैंसिल करो उसका डिपो और इनका राशन जो भी जिसको भी भेजोगे यहाँ गांव में मिलना चाहिए अगला अटैच करोगे किसी भी डिपो होल्डर से उसको बोल देना कि अगर गलत करेगा राशन टाइम पे नहीं देगा पूरा नहीं देगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी सरपंच साहब के क्यों बैठाओ कहीं और बटवा दो सरपंच साहब को पढ़ाई दिवाओगे सरकारी जमीन पे बांटो उसको तो बताओ कम से कम कि कितने बीपीएल है जो सरकार की स्कीम तेल की आ रही है दाल की आ रही है चावल की आ रही है गेहूं की आ रही है सरपंच को कुछ पता ही नहीं होता भाई सारी डिटेल होती है सरपंच को रिटर्न में आज सरपंच क्या जवाब देगा किसी को आज ही रिटर्न में आपको सारी डिटेल मिलेगी थैंक यू सर आप देके जाओगे इनको आज रिटर्न में कितने बीपीएल है कितने दूसरे कार्ड है सारी डिटेल देके जाओगे और क्या क्या मिलता है उससे राशन कार्ड से पानी की वाटर सप्लाई भाई पब्लिक हेल्थ नया ट्यूबवेल लगवाओ यहाँ हेलो कितने चाहिए ट्यूबवेल एक कब तक लगेगा दो माइक दो एक्शन साहब बताओ कब तक लगेगा सर एस्टीमेट बना के फिर भेज देंगे कब तक इनको एक बहुत तो दे दो डेडलाइन दे दो दो ढाई महीने दो महीने तीन महीने छह महीने वो तो बन गया सर वो वाला तो बन गया कहाँ बना है नहीं उसका कब क्या बात है बताओ बन के झूठ बोल रहे हैं सरपंच साहब सर उसका टेंडर हो चुका है तो टेंडर कब हुआ है उसका सर GWA नहीं लगाना है मैकेनिकल डिवीजन रेवाड़ी नहीं लगाना है मैं उनको ये कर लूंगा सर है? जो ये बोल रहे हैं पाइप गड्ढे पड़े हैं वो क्या है नहीं एक मिनट पानी जो पाइप गड्ढे हुए बता रहे हैं वो ट्यूबवेल नहीं चल रहा वो क्या है सर उसमें ठेकेदार को पेनल्टी लगा रखी है मैं फिर दोबारा से उसको फिर उसको ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करो ठीक है सर और ये नया ट्यूबवेल का जिनका एस्टीमेट बना के जल्दी ये नहीं छह महीने पहले दे रखा है यार एक्शन साहब हो ये कोई बात है नहीं सर तो फिर ये पानी भी अगर नहीं दे पा रहे हम तो फिर क्या है मोदी जी का सपना हर घर नल हर घर जल वो सपने को पूरा नहीं करेंगे हम नहीं नहीं पूरा कर तो फिर क्या कर रहे हो छह महीने पहले आपको दिया इन्होंने रेजोल्यूशन अब तक कोई काम नहीं हुआ कार्रवाई नहीं सर उसमें वो अलॉट हो चुका है GWA नहीं लगाना है उसको छह महीने लग जाते हैं एक टेंडर को सर वो दस गाँवों का था दस ट्यूबवेल का नौ गाँवों का था कंबाइंड था सर वो बताओ मुझे छह साल बता रहे यार शर्म की बात है यार सर ऐसा नहीं है वो टेंडर हो चुका है कब तक लग जाएगा मुझे ये बताओ ट्वेल्व कब लगेगा वो तो महीने के अंदर लग जाएगा महीने के अंदर एक महीने में ट्वेल्व लग जाएगा नहीं लगे मेरे पास आ जाना आप इनके खिलाफ कार्रवाई मैं करूंगा अगर नहीं लगा एक महीने में